तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और हम बात करेंगे आज क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्यों खतरनाक है। कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, आज तक इतना घातक कह लीजिए, इतनी ज़्यादा मौतें किसी और वायरस से एक साथ एक बार में नहीं हुई है और इतने ज़्यादा लोग ना सिर्फ यूएस में, सबसे ज़्यादा यूएस में, चाइना, स्पेन, इटली, इन जगहों पे, हर जगह, और अब इंडिया का भी नंबर बढ़ता जा रहा है। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, क्या होता है वायरस का ट्रांसमिशन, कैसे होता है ट्रांसमिशन। सो इतने ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, दुनिया भर में आज तक ऐसा कोई दूसरा वायरस नहीं आया जो इतने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया हो और इतनी ज़्यादा उससे मौतें हुई हों, चाहे वो चाइना हो, इटली हो, चाहे वो यूएस हो, स्पेन हो। हमें ये समझने को पता चलता है कि ये वायरस से बचाव ही सबसे ज़रूरी है। और जो बात आप लोग सबको पता है कि ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट रूट से फैल रहा है, मतलब एक आदमी अगर खांसता है, छींकता है, तो उस आदमी का जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट न्यूक्लिया निकलते हैं वो थोड़े बाहर निकलते हैं, एक दो मीटर दूर तक जाते हैं और एक मीटर दूर से धीरे 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 गिर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना मॉइस्चर है हवा में, उसके हिसाब से धीरे धीरे गिरेंगे। उस बीच अगर आप वहाँ से वहाँ पे आ गए या आपके ऊपर आ गए और आपने आपके डायरेक्ट मुंह नाक में चले गए तो आपको हो जाएगा, या फिर सरफेस पे गिर गए, आपने हाथ लगा के इधर लगा दिया नाक मुंह कान में, नाक मुंह आँख में, तो आपको हो सकता है। सो ये एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट वाला स्प्रेड हम सबको पता है, इसीलिए दुनिया भर में प्रोटेक्शंस की बात हो रही है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है और आँख नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना, इधर खांसना है, तो दैट इज ऑल नोन। अब देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले किसी एरिया में, जैसे इंडिया के अंदर जब आया था केस तो इम्पोर्टेड केसेस थे, चाइना से जो आए वो लेकर आए, जो नहीं आते उनके पास थे ही नहीं, ठीक है। फिर लोकल ट्रांसमिशन होना शुरू हो चुका था। लोकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये जो लोग हैं ये दूसरे, तीसरे, चौथे, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ ये फैला रहे, जो लोग आए वो फैला रहे। उसके बाद थर्ड स्टेज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, स्टेज थ्री सबसे बड़ा, और स्टेज थ्री कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अब किसी एक इंसान को अगर वो वायरस निकल के आता है कि भाई ये इस इंसान में कोविड पॉजिटिव है, कोरोना वायरस है, तो उसका उसका सोर्स ट्रेस नहीं हो पाएगा। मतलब यही है कि अगर वो इंसान किसी कोरोना वायरस के नोन पेशेंट के आसपास भी नहीं गया है, कई कभी ऐसी कोई संदिग्ध जगहों पे भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, दैट मींस कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। और चौथा लास्ट स्टेज होता है आपका एपिडेमिक स्टेज, जहां पर चाइना में थोड़े देर पहले अभी एपिडेमिक स्टेज आ गया था कि भी बहुत सारे नंबर्स कम होने लग गए थे। सो इंडिया की कोशिश होती है हमारी कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है मिनिमम हो जाए। गवर्नमेंट ने कई बार अशोर किया है कि अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत, लेकिन ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर ऐसे स्पोरैडिक केसेस आ रहे हैं। जी हाँ, स्पोरैडिक केसेस हैं जिनका सोर्स नहीं मिल पा रहा है, उस एरिया को हम एरिया को पैक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है कि उससे और लोग बाहर ना निकले, और उधर के एरिया के सारे लोगों का टेस्ट होता है। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन कुछ एरियाज में शुरू हो चुका है, अब ये पैन इंडिया शुरू हुआ है या नहीं हुआ ये अब तक नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो टर्म है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मतलब एक इलनेस, एक बीमारी है जो इस तरह से फैल रही है कि उसका सोर्स पता नहीं चल रहा। सोर्स पता नहीं चल रहा का मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट की या किसी और तरीके की जो सप्लाई आ रहे हैं, मान लो किसी कोई सप्लाई आ रहा है खाने पीने का, अनाज हो गया या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, फैल गया है, और उसके वजह से फैल रहा हो, तब पता नहीं चल रहा है कि किससे फैल रहा है, कुछ नहीं कह सकते, तो उसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं तब। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा लोगों की इन्फेक्शन होने की ज़रूरत है। अब मतलब यह है कि कोई भी इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, कह नहीं सकते, आपका घर पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, एंड जो प्रॉबेबली आपको लगता है कि आप में से किसी को नहीं है उससे भी हो सकता है, दैट इज़ देयर कम्युनिटी ट्रांसमिशन उसको कहते हैं, और इसलिए वो डेंजरस होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियली फिर नंबर्स आपके बढ़ जाएंगे।
जब एक पर्सन को डायग्नोस किया जाता है इन्फेक्शन से, तो उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है ट्रैवल की और पता करा जाता है कि सोर्स कहाँ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में सोर्स नहीं पता चलेगा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट वरीसम क्यों है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा लोग इसके इन्फेक्शन में आ जाएंगे, और इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस में जब बीमार होने लग जाएंगे लोग तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इतने बेड नहीं होंगे अस्पतालों में। इसीलिए तैयारी की जा रही है, एक एक सेंटर बनाया जा रहा है कि पहले ये अस्पताल भरेंगे, फिर वो अस्पताल, फिर ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, फिर जाके देखा जाएगा। सो कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग, कम्युनिटी स्प्रेड कैन हैपन इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में हो सकता है। इसीलिए हमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है। जितना अच्छे से प्रिवेंशन करेंगे उतने चांसेस हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड आपके एरिया में नहीं होगा। याद रखिए, कम्युनिटी स्प्रेड एक डेंजरस चीज़ है जो अगर हो जाती है तो घातक हो सकती है। इसके अलावा जो चीज़ समझने वाली है कि एक वायरस कई प्रकार के तरीके से फैल सकता है, एक बीमारी कई तरीके से फैल सकती है। अब उसको अगर थोड़ा सा संक्षेप में हम समझें तो कैसे समझेंगे, देखिए एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। एक तो होता है एयर ड्रॉपलेट। एयर ड्रॉपलेट मतलब कि वो हवा में है और इस तरह से फैल रहा है, जो हवा में एक पर्सन से दूसरे पर्सन का इधर उधर से, जिस तरह से एक तरीके से ये है, ये एयर ड्रॉपलेट बहुत दूर तक नहीं जा रहे लेकिन जा सकते हैं। ऐसी और भी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, वूपिंग कफ है, और क्या है, मेनिनजाइटिस, और क्या है, ट्रकोमा, ऐसी नॉर्मल कोल्ड का फ्लू, बाकी निमोनिया, सेप्टोकोकस निमोनिए, हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस इस तरह से एयर ड्रॉपलेट से फैलते हैं। अब ये सारे आपके मुंह आई नाक इनके कांटेक्ट में फैलते हैं और जो छींक रहा है उससे फैल सकते हैं। दूसरा तरीके का ट्रांसमिशन है फीको ओरल। फीको ओरल मतलब जो पैथोजन है, जो कीटाणु है, वो आपके मलमूत्र में निकल रहा है, मलमूत्र में निकल रहा है। ऐसे में कोई अगर प्रॉपर हाथ नहीं धोता और उसने फिर खाना बना दिया और उससे सबने सबको फैला दिया, या नहीं इस तरह से होता है ना, अनहाइजीनिक मलमूत्र से, या मक्खी बैठ गई तो भी होता है। मलमूत्र से अभी ये नहीं फैल रहा है जो बताया गया है, बिल्कुल बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पता है मुझे अमिताभ बच्चन जी ने क्या बोला, वो गलत बोला है। फिर कौन सी बीमारी इस तरह फैलती है मलमूत्र से, डायरिया, जैसे कोलेरा, शीगला, साल्मोनेला, टाइफॉइड, ई कोलाई, रोटावायरस, जीआरडीएसिस, अपना हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो, जितने भी पेट के वर्म्स हैं वो ऐसे फैलते हैं, ठीक है, ये खाने से फैलते हैं, पुअर हाइजीन। फिर आती है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। जी हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिशन आपको पता है, एचआईवी, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ये फैलते हैं। पैथोजन आपके ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में है। अभी ये नहीं बोला जा सकता है कि 100% पैथोजन आपके ये वाला कोरोना वायरस हर बॉडी फ्लूइड में है या कॉन्सेंट्रेशन आएगा या उससे भी फैलेगा, फिलहाल ये मेन क्राइटेरिया नहीं है। ये माइनर डिग्री में हो सकता है कहीं हो, लेकिन नॉट सो मच टू बी वरीड अबाउट। फिर देर इज वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या, वेक्टर मतलब मच्छर मक्खियां ले घूम रहे, वेक्टर बॉर्न। नाउ व्हाट इज दिस वेक्टर बॉर्न, देखिए अगर मलेरिया है, डेंगू है, वो सब मच्छरों से फैलते हैं, तो ऐसे मच्छर वेक्टर हो सकते हैं, राइट। ऐसे इंसेक्ट बाइट्स वेक्टर हो सकते हैं, इंसेक्ट से होने वाली बीमारियां, जैपनीज एंसेफलाइटिस, लिशमेनियासिस, रिवर ब्लाइंडनेस, सिस्टोसोमियासिस, टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, ये सब वेक्टर बॉर्न हो गए, मतलब मॉस्किटो से, फ्लाइज से, ब्लैक फ्लाइज से, बाइट से, लाइस से, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, इन लोगों से। फिर ब्लड के थ्रू फैलने वाली बीमारियां, ब्लड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया या नीडल टू नीडल प्रिक हो गया, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, आपको पता है। और घाव से भी फैलती है, इन्फेक्टेड वूंड, दुनिया की सबसे कॉमन इंजेक्शन टिटेनस, टिटेनस जो वैक्सीन लगती है टिटेनस, लेकिन सबसे रेयर लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी, एक बार हुई तो पेशेंट बचाया नहीं बचेगा। फिर एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से चाइल्ड को, मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन। ऐसे में पैथोजन ट्रांसमिट हो रहा है, कोरोना वायरस का ऐसा ट्रांसमिट होते हुए नहीं दिख रहा, नहीं लग रहा। देखिए नया वायरस है, जानकारी अपडेट होती रहती है, अब तक के जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। मदर टू डॉटर ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, ठीक है। सो ये है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हो सकता है ये, ब्रेस्ट मिल्क के दौरान भी, कोरोना के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हिसाब हुआ आपका, किस प्रकार के ट्रांसमिशंस होते हैं दुनिया भर में और किस प्रकार का आप लोगों को समझना चाहिए। याद रखिए, ट्रांसमिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस एरिया में आपको बीमारी दिखेगी। इसका
100% आपकी हाइजीन के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर और आपके रहन सहन के ऊपर इफेक्ट है। अगर आप सही से जिएंगे, सही लाइफस्टाइल करेंगे तो आप बच पाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। सो याद रखिए, अगर आज तक के जितनी भी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां आप देखेंगे, यानी कोलेरा, कॉलेरा, जैसे हैजा है, एक हैजा का पेशेंट आता था तो एक के बाद पूरा वार्ड भर जाता, ऐसा पहले का ज़माना था। सो हमें उससे सीखना है कि ट्रांसमिशन को हम रोकें, ट्रांसमिशन को रोकेंगे तो कोरोना रुक जाएगा। और बीमारी को ठीक करने के लिए रिसर्च चल ही रहे, हमारे वीडियोस आपने देखी हैं दवाइयों के ऊपर, इवन दूसरी नई प्रॉपर्टीज़ वाली दवाइयाँ आ गई, नया रिसर्च आ गया आयरन का और जो वर्म किलिंग मेडिसिन उनका और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सारी डिटेल्स यहाँ नहीं बचा सकता, आप चाहो तो सारे वीडियोज़ आप देखें कोरोना वायरस के, आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिए, एक छोटी जगह पे जब बीमारी होती है और दूसरी तीसरी जगह फैलती जाती है तो वो घातक हो सकती है। इसीलिए अभी ये भी बीमारी स्टेज टू से स्टेज थ्री में क्रॉस हो रही है, कुछ एरियाज़ में हो गया जो सील्ड हो गए हैं, कुछ एरियाज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ एरियाज़ है महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में फैल गई हर जगह, नहीं, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फैली हैं तो हमको पता है कि चलो वो एरिया सील करना है। वैसे ही और बहुत सारे एरियाज़ रिस्की हैं, मुंबई जैसा एरिया, ओवरक्राउडेड एरिया, छोटे छोटे घर जगह, छोटे आसपास रहने वाले एरियाज़ थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड क्या चीज़ है क्या नहीं है ये, एंड सारी जानकारी बाहर लोगों तक फैलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, शेयर करना इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, आई ट्राई टू आंसर every question. Please do watch all my videos and thank you so much. Stay connected, stay healthy.